नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बनारसी पापा ब्लॉग। सावन का तीसरा सोमवार है। आप सभी लोग को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि दोस्तों मैं आपको सावन में हर क्रम अपने क्रम में अलग अलग महादेव के शिवलिंग में आपको दर्शन करा रहा हूं, आज भी मैं आपको एक महादेव के अति प्राचीन मंदिर में दर्शन कराने ले चलने वाला हूँ, जिसका जिक्र काशी खंड में भी है। कई शिवलिंग मंदिर में स्थापित है, तो चलिए पहले दर्शन करते हैं बाबा का, उसके बाद मिलते हैं। आप भी हमारे संग दर्शन करिएगा बाबा का। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए हर हर महादेव का, अच्छा लगता है। सावन का महीना चल रहा है, आप लोगों में बाबा का दर्शन कराऊँ तो हर हर महादेव तो बनता है। चलिए दर्शन करते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं। हर हर महादेव बाबा शंभु। जय बजरंगबली, जय श्री राम। महादेव बाबा बजरंगबली बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। ये महादेव भी है अंदर। हर हर महादेव बाबा। महादेव बाबा जय गणेश बाबा। बड़ी प्यारी मूर्ति है गणेश बाबा की। जय हो, जय हो, जय हो। दोस्तों, रामेश्वर महादेव का यह मंदिर बैजनाथा धाम के मंदिर के प्रांगण में ही बगल में जस्ट रास्ता गया है, यहाँ पे रामेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ भी आप लोग जरूर दर्शन करिएगा। हर हर महादेव बाबा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों, दर्शन तो हो गया बाबा का। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा महादेव का और देखा होगा कि कैसा ही काफ़ी खूबसूरत महादेव का मंदिर है। और साथ ही साथ गणेश जी हो गए, बजरंग बली की भी मूर्ति है वहाँ पे स्थापित है। और काशीखंड में भी जिक्र है इस बारे के बारे में, तो मैंने आपको बताया ही था पहले भी। और जैसा कि मतलब वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला, मतलब मैं इससे पहले दर्शन करने वहाँ नहीं गया था, जो बात है वो साफ बताता हूँ। उस जगह से तो जरूर जाता था, लेकिन उस जगह दर्शन कभी अंदर नहीं करने गया था। बट उसके बारे में दर्शन करने के बाद मुझे पता चला, जैसे काशी खंड के अनुसार वाराणसी के राजा एक हुआ करते थे, दिवोदास करके हुआ करते थे। इनके शिवलोक प्राप्ति के पश्चात भगवान शंकर जी का वाराणसी में आगमन हुआ था।
काशीपुरम में भगवान सिंह के आगमन के पश्चात विभिन्न तीर्थों एवं देवताओं अपने कलाओं सहित वाराणसी में स्थापित हुए थे। इसी क्रम में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तिलिंग वाराणसी नत्था धाम के नाम से स्थापित हुआ और ये मंदिर जो है ये कमच्छा स्थित है। कमच्छा वाराणसी में एक जगह पड़ती है। अगर आप कैंट रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने तो आपको सबसे पहले रथ यात्रा पे आना पड़ेगा। कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा चौराहे से आप जो रास्ता आपका भेलूपुर दुर्गा कुंड के लिए गया हुआ है उस रास्ते पे आप जब बढ़िएगा तो रथ यात्रा चौराहे से जैसे ही आप कमच्छा के लिए बढ़ते हैं तो एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब एक नुक्कड़ वियर एक दुकान है, आप किसी से भी पूछिएगा वहाँ पे। जैसे ही कम रथ यात्रा से आप आगे बढ़ते हैं सीधे बढ़ने के बाद आपको राइट टर्न गया है जो CHS स्कूल पड़ता है उसी के पास में है ये। तो आप राइट टर्न जैसे ही मुड़ जाइएगा, मुड़ने के बाद आप ठीक सीधे आते हैं तो मेन रोड पे ही ये मंदिर स्थापित है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं वैद्यनाथा धाम मंदिर हमको जाना है, तो कोई भी आपको इस लोकेशन के बारे में बता देगा। एक बार दर्शन करिए बाबा का, सावन का पर्व चल रहा है, बताइए कैसा लगा मंदिर। और आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरा ये क्रम जारी रहेगा, बाबा का दर्शन करवाऊँगा आप लोगों को, काशी में भी भ्रमण करवाता रहूँगा, तो ये क्रम चलता रहेगा। मेरा वीडियो देखते रहिए आप लोग, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप सभी लोग को हमारी तरफ से महादेव।